साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प लेकर के चलता है। ये समय हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। हमारे विश्वकर्मा साथी मेक इन इंडिया की शान है और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की इस शान को दुनिया के सामने शोकेस करने का माध्यम बनेगा। एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को ये बहुत बड़ी आशावादी योजना के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये नया सेंटर यशोभूमि भारत के यश का प्रतीक बने, दिल्ली की शान को और बढ़ाए, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए हृदय से आभार। जोरदार तालियों से आइए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। और एक बार पुनः विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम के अंत में जन दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं आपको। सभी देशवासी दिल से आज आपके लिए दुआएं दे रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा उन लोगों को संबल प्रदान करेगी जिनकी अब तक सुध नहीं ली गई। हमारी विरासत का आईना है हमारे विश्वकर्मा। आप सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और यहीं से आज शुरुआत हुई विश्वकर्मा योजना की। विश्वकर्मा योजना से जिन्हें लाभ मिलने वाला है उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है। और एक ऐसी योजना जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे हर उन कारीगरों को मौका मिलेगा और बेहतर होने का और भारत को और मजबूत करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बात लिख कर रख लें कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिनका अहम योगदान भारत के विकास में है वो अब एक नए टूलकिट के साथ नई गति से, नई शक्ति से और आगे बढ़ते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करते हुए ऐसे ही कारीगरों के बीच उन्होंने ये भी बताया कि विश्व स्तर से आए तमाम नेताओं को ऐसे ही कारीगरों, शिल्पकारों की कलाकृतियां भेंट की गई है और ये वो कृतियां होती है जिसे बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से पूरी दुनिया देखती है, जिसके डिमांड पूरी दुनिया में। और आज वैसे ही कुछ और कारीगरों के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास बात यह कि आज उनका खुद जन्मदिन भी है और इसी मौके पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन।